Sunny Music Studio Nandla 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 Sant Samaj ki kahare samajh se to paave paakhand mein nar kyon bhatka tha so baaton ki ye baat hai अगर जीवन में बुराइयों से बचना है इस जिंदगी में दुर्गति से अपने आप को बचाना है जीवन का कल्याण करना है तो एक बात निश्चित कर लेना कभी सत्संग से दूर मत होना कभी सत्संग से दूर मत होना एक सत्संग ही मात्र ऐसा साधन है जो इस जीवन के सुधार का है बाकी जिधर देखोगे जिधर बिगड़ने बिगड़ने का बाजार है सुधारने का और कोई सत्संग के सिवा दूसरा साधन नहीं है आज संस्कार विचार वर्तमान समय में इतने क्यों बिगड़े हैं क्योंकि आज की सत्संगें भी मात्र मनोरंजन बनकर रह रही है जो सत्संग का एक सिद्धांतिक वास्तविक स्वरूप था महत्व था सत्संग की जो एक गरिमा थी सत्संग का जो एक लक्ष्य था करीबन ये 15-20 वर्षों में बहुत गिर चुका है आज हम मात्र गाने बजाने को नचाने कुदाने को ये भूमिया भूतों के रात जगाने को बस इसी को भी सत्संगी तो कहते हैं सत्संग के विषय में दादू जी महाराज ने वाणी में कहा भाव भक्ति प्रकटे नहीं साहिब का प्रसंग विषय विकार छूटे नहीं तो दादू क्या सत्संग जिन शब्दों को सुनने से अपने हृदय के विचार पवित्र हो जाए जीवन के संस्कार पावन हो जाए अपना जिंदगी का व्यवहार उत्तम बन जाए हृदय के विकार मिट जाए काम क्रोध मोह मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या छुआछूत भेदभाव नफरत खत्म हो जाए हृदय में प्रभु से मिलने की एक तड़प पैदा हो जाए वही तो सत्संग है वरना तो रणताराम जी महाराज कहते ताल तंदूर मजीर बजावत ज्ञान बिना नर भारत पाता नाटक चेटक बाटक आकर कूक मचावत भारत धाका यूं नकरा कर रात घुमावत हेत हरि बिन होवत हाका रात जगावत भेद न पावत सो रणजीत भजियत खाका इतना मतलब को छाती कूटो ही तो है जिनका सार नहीं सिद्धांत नहीं जिसमें सुधार नहीं वो काय का सत्संग है इसलिए संगत हमेशा जीवन में रंगत भरती है और इस जीवन की श्रेष्ठता जीवन की मानता किसी समाज में पैदा होने से नहीं है कपड़ों से सूट बूट रहने से नहीं है चमड़ी की चमक से नहीं है एक कवि शायर ने कहा था आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है मनुष्य जीवन की शोभा उनके रंग रूप से नहीं उनके कर्म चरित्र सद्विचारों से होती है यह है जीवन की श्रेष्ठता अपने देश का दुर्भाग्य है अपने देश का दुर्भाग्य है ये समझो इस देश में गंदगी करवा वाला ना तो ऊंचा कहे छे और गंदगी साफ करवा वाला ना नीचा कहे अरे भाई छत्तीस कौम में एक शब्द है छत्तीस कौम तो वरना आज हिंदू समाज में 6,500 जातियां बढ़ चुकी है
36 कौम तो पुराना सा, मगर देखो कि आज 36 कौम में से एक ही कौम ऐसी है जिनको हम भंगी कहते हैं, आजकल बाद कहते हैं, हरिजन कहते हैं। 36 कौम में से एक ही कौम ऐसी है जो 35 कौम की गंदगी साफ करती है, बाकी 35 कौम तो गुलाब जामुन रसगुल्ला लड्डू जलेबी मिठाइयां खा खार गंदगी करवा कोई काम करे, सबकी गंदगी ना एक कौम साफ करती है। और वह कौम जो अपनी गंदगी साफ न करती आप शांति से रह पाता है, कितनी बीमारियां हो जाती, अपनो जीवन नरक बन जाता, जिंदा न रह सकता है, बीच में ही गड़िया ढूंढती है अपने को, 25-30 साल भी पार न कर जाता है, वह एक कौम न होती। अरे जो गंदगी साफ कर आपने शांति को जीवन दे, ये देश भवन नीचा किया जावे, और ये कर्म ठोक 35 कौम जो गंदगी करे रात दिन वहां ऊंचा चल, इनसे बड़ी मूर्खता और दुर्भाग्य क्या होगा है। इस देश में पहले नहीं था, करीब 2000 वर्षों के बाद में ऐसी मानसिकता बनी है। इस देश में कर्म को ऊंचा नहीं मान करके जन्म को ऊंचा माना, कर्म को ऊंचा नहीं मान के जन्म को ऊंचा माना। आ बामणी के पेट से पैदा हुए जो पंडित जी तो से बोले पंडित जी शीशिया फिर तुम्हारा कार्य हो रहा चले पर है तो पंडित जी बामणी के पैदा हुए बामणी भी सोच सी भाया धर्म है पाठ पूजा को ओम शांति को बामणा के अलावा तो धर्म ला गई है। धन्यवाद है मैं ऋषि दयानंद सरस्वती को जो आज के करीबन है 100 साल पहले ही इस पाखंडवाद का खंडन करके आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज, आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता जो अच्छा, जिनके कर्म अच्छे वो अच्छा है और जिनके कर्म बुरे वो बुरा है, चाहे कोई समाज में पैदा हुआ। और वर्तमान समय में भी श्री राम आचार्य शर्मा जो एक ब्राह्मण वर्ग में ही पैदा हुए, वैसे ब्राह्मण किसी समाज का नाम नहीं होता, एक पद होता है, मगर उन्होंने भी सभी के यज्ञ पवित्र संस्कार करके सबके दीक्षा संस्कार करके एक हरिजनों को भी पंडित की उपाधि दी और वेद विधान का सारा ढंग विधि विधानों को समझाया है। और जितना विधि विधान से पंडित नहीं करता है ये कार्य उनसे कितना ही बुरा अच्छा वो करता है गायत्री पूजा।